बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर इटहरी गांव में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक महिला के द्वारा किरोसिन छिड़क कर आग लगाने का मामला प्रकाश में आया है। गंभीर स्थिति को देख परिजनों ने महिला को इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर अशोक कुमार शाह के द्वारा जख्मी महिला तेतरी देवी का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार महिला का अपने पति घुटुर मंडल से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी आक्रोश में आकर महिला ने अपने शरीर पर किरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा लिया। वहीं महिला का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने महिला की स्थिति चिंताजनक बताई है। बांका जिले के अमरपुर क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर अवैध खनन रोकने को लेकर बांका जिला पदाधिकारी स्वर्ष भगत एवं बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान में खनन पदाधिकारी महेश्वर पासवान, पुलिस निरीक्षक वकील प्रसाद यादव, अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। छापेमारी अभियान के तहत ताडी गाँव के समीप बालू लदी एक हाइवा दो ट्रैक्टर एवं बालू लोड करते एक जेसीबी वाहन को जब्त किया गया। मौके से एक युवक को गिरफ्तार करते हुए थाना परिसर लाया गया। गिरफ्तार युवक रजौन थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव निवासी जीतू कुमार बताया गया। वहीं मौके से पुलिस बलों को देखते ही अन्य चालक फरार हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की अर्धरात्रि डीएम एसपी खनन पदाधिकारी एवं पुलिस बलों की फौज क्षेत्र के मदाचक भदरिया समेत दर्जनों अवैध घाटों पर छापेमारी अभियान चलाया, जिसके तहत ताडी गांव के समीप डंप की गई बालू को माफियाओं द्वारा वाहनों में लूट किया जा रहा था। पुलिस वाहनों को देखते ही बालू माफिया अंधेरा का फायदा उठाते हुए वाहन छोड़कर फरार हो गया। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के द्वारा की गई छापेमारी अभियान से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि जब्त वाहनों के खिलाफ खनन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई किया जा रहा है। किसानों के लिए केंद्र सरकार नई नई योजनाओं ला रही है। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयत्नशील है। उक्त बातें भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा। केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री सोमवार की संध्या अमरपुर होते हुए बांका जिला स्थित जनसंघ के पुराने कार्यकर्ता दिनेश सिंह के आवास पर जा रहे थे। अमरपुर बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री का भव्य स्वागत किया। बस स्टैंड पर प्रेस वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार बिहार सरकार के द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए गए। आज कोरोना वैक्सीन आने तक आम लोगों को सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक है। बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। इन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में विस्तृत से चर्चा करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज किसानों के हित के लिए अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। नई कृषि अधिनियम के तहत किसान अपनी फसलों को जहां चाहे बेच सकते हैं, जिस पर अंतर्राज्यीय सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगी। लेकिन विपक्षी पार्टी हर तरह से किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं कृषि मंत्री हमेशा ही किसानों से वार्ता करने को तैयार हैं। आज किसानों को खेती करने के लिए अलग से बिजली दे रही है। आज बिहार में काफी विकास हुआ है। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष विकास सिंह, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष रंजीत यादव, भाजयुमो के जिला महामंत्री भोलू पोद्दार, भाजपा के जिला मंत्री मृत्युंजय शर्मा, भाजपा के वरीय नेता सच्चिदानंद शर्मा, नगर अध्यक्ष गौतम मोदी, गोपाल भगत, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विमल कुमार सिंह, जिला प्रवक्ता सह महासचिव मनीष कुमार झा समेत दर्जनों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। हर संभव आपसे वार्ता के लिए तैयार है। हमारे कृषि मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी बराबर किसानों के दुख और दर्द को हम देखते रहे। आज आप देख रहे हैं बिजली का, आज खेती भी, आज किसानों के लिए अलग बिजली देने का काम किया। हर प्रकार से किसानों की आय दुगुनी हो, हम इसके लिए प्रयत्नशील है।